लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट की जगह पर आएगा बिग बॉस 18। रियलिटी शो बिग बॉस 18 का बज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ऐसे में सभी इंतजार कर रहे हैं कि ये शो कब आएगा। पर खबरों की माने तो रियलिटी शो बिग बॉस 18 रिप्लेस करेगा लाफ्टर शेफ्स को। जी हाँ, आजकल ये शो काफी चर्चा में है और इस शो पर कई सारे सेलेब्स आते हैं और अपने कुकिंग का टैलेंट एंटरटेनमेंट के साथ दिखाते हैं। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस 18 इसे रिप्लेस करेगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि लाफ्टर शेफ्स का सेकेंड सीजन भी जल्द आएगा। वेल, अभी तो इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। बैंड ऑफ बॉयज का हुआ कमबैक, सुधांशु पांडे एंड करण ओबेरॉय ने की बात। वेल, बैंड ऑफ बॉयज तो सबको याद ही होगा। जी हाँ, इनके सॉन्ग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। पर हाल ही में इस बैंड ने किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनाउंस किया अपना कमबैक विद वन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग्स गोरी। वेल, इस मौके पर सुधांशु पांडे और करण ओबेरॉय के साथ बाकी के टीम मेंबर्स भी थे। चलिए करण और सुधांशु से जानते हैं इस कमबैक के पीछे का रीजन। ऐसी बातचीत करते करते फील आया कि लेट्स जैम वन डे। वो जैम करते करते इतना मजा आया हमको कि हमने सोचा कि क्यों ना एक हम ऐसी एक इंस्टा के लिए एक रील बना लेते हैं। रील वेंट सो वायरल दैट इट शॉक्ड अस दैट इतने साल हो गए यार, इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी आज तक उन गानों को लोग उतना ही प्यार देते हैं। अंजू पिछलानी गेस्ट है ना, बीच में रहेंगे। वेल, भारती सिंह के साथ अर्जुन बिजलानी ने किया शूट। भारती सिंह के पॉडकास्ट शूट के लिए अक्सर सेलिब्रिटीज उनके स्टूडियो में जाते हैं और इस बार बारी थी अर्जुन बिजलानी की। यहाँ पर अर्जुन ने बताया कि आखिर क्यों वो भारती के साथ ये पॉडकास्ट करना चाहते थे। बहुत मजा आया, बहुत वैसे ये लोग ज्यादा शो करते हैं, जब भी मिलते दिल खोलकर ही बात करते हैं। सच में लेकिन इस पॉडकास्ट में सच में मजा आया, बहुत मजा आया, आप जरूर देखना। हां, जब आप देखिए तो आपको रियलाइज होगा कि क्या-क्या बातें हुई हमारी, देर सारी मस्ती वाली भी, पर्सनल भी। और एक मतलब इसके साथ पॉडकास्ट करने का रीजन भी ये था कि मेरी और इसकी वाइफ बनती है, ये मुझे भाई भी मानती है और मुझे पता था कि एक दिल खोल के जो बात की जा सकती है वो भारती और अर्ज के साथ की जा सकती है। वेल, अर्जुन तो चले गए लेकिन उनके बाद भारती ने पैप्स के साथ किया खूब एंटरटेनमेंट। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी एक खास झलक। और गर्मी बहुत है, पसीना देख लिया मैंने, यहाँ तक खोले बन गए हुए हैं। थैंक यू गाइस। और ये लिखना अर्जुन ने बोला हर्ष के सामने भारती को, वो देखो उसने बना भी नहीं लाइक ना। दलजीत कौर और निखिल पटेल्स डिवोर्स हियरिंग हैज बिगन इन केन्या कोर्ट, एक्ट्रेस सेज वाज आई अ मिस्ट्रेस। वेल, दलजीत कौर और उनके पति निखिल पटेल की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों की सेपरेशन की खबर ने सबको चौंका दिया है। दलजीत ने निखिल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जूम ने सबसे पहले मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने की जानकारी आपको दी थी। इससे पहले जूम ने ही आपको दिखाया था कि कैसे निखिल मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में अपनी गर्लफ्रेंड सफीना नजर के साथ हुए थे स्पॉट। वहीं इसी बीच दलजीत कौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नोट शेयर किया जिसे उन्होंने कुछ मिनट बाद डिलीट कर दिया। नोट में दलजीत ने निखिल से सवाल किया था कि क्या वो उनकी धर्मपत्नी थी। जी हाँ, दलजीत कौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नोट शेयर किया जिसमें लिखा, आज मेरी कोर्ट सुनवाई थी केन्या में। उनके वकील जज को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी नहीं हुई थी। FIR दर्ज कराते वक्त भारतीय पुलिस ने बताया था कि गवाहों के साथ परंपराएं जेल में डालने के लिए पर्याप्त हैं। अगर वो शादी से इनकार करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन शर्म है उस पर और उसके परिवार पर कि उन्होंने शादी से इनकार किया। और तो और दलजीत ने यह भी कहा कि आपके श्रेष्ठ नेता सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्या आपने अपनी पत्नी को गेट टुगेदर्स में आमंत्रित नहीं किया या मुझे एक प्रेमिका के रूप में आमंत्रित किया गया था। दलजीत ने यह भी कहा कि उन्हें पटेल होने पर शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा, कानूनी दायित्व जो मेरा माता पिता को विश्वास दिलाने के लिए था कि आप धोखाधड़ी नहीं करेंगे और आदेश मिलने पर पंजीकरण करेंगे, अब ये कहा जा रहा है कि शादी नहीं हुई थी। आपके वकील ने मुझे फोन करके बताया कि तलाक साइन हो गया है और चैलेंज नहीं किया जा रहा है। आपकी पूर्व पत्नी छोटे बच्चे को अमेरिका ले गई। शब्दों को मोड़ना आपकी आदत है लेकिन सच मेरा है, मुझे अब कुछ भी उम्मीद नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं पटेल बन गई। दलजीत ने अपने नोट को समाप्त करते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है कि तुम साबित कर रहे हो कि तुमने मुझसे शादी नहीं की थी।
तुम्हें ये करवा चौथ पर भी बताना चाहिए था जब मैं रात 11:30 बजे तक भूखी बैठी थी। उस दिन मुझे खाना खा लेना चाहिए था। शर्म तुम्हारी है निखिल, मुझे किसी की जरूरत नहीं जो सब कुछ देखने के बावजूद मेरे साथ खड़ा नहीं होता। मैं खुद के लिए काफी हूँ और मैं उन लोगों से नहीं डरती जो इस समय मुझे समर्थन देने के बजाय अलमारी में छुपना पसंद करते हैं। मैंने सोचा था कि आप सभी भारतीयों की तरह हैं जो सच के साथ खड़े रहना पसंद करेंगे। सुकृति खांडपाल्स बिग रेवल्यूशन ऑन डेटिंग विवियन डिसेना, ही वॉज ऑलवेज डेटिंग वाबिस। पॉपुलर टीवी स्टार सुकृति खांडपाल ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बातचीत जहां सुकृति ने खोले अपने दिल के राज, वहीं जब जूम ने सुकृति से किया सवाल उनकी और विवियन डिसेना की डेटिंग वाली खबरों पर, तो सुकृति ने दिया जवाब और बताया कि सीरियल प्यार की एक कहानी के टाइम लोगों ने मुझे विवियन के साथ लिंकअप की बात की थी, जबकि उस समय ही वॉज ऑलवेज डेटिंग वाबिस। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि अच्छा है दोनों ने अच्छी एक्टिंग करी, और मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं अपने रियल बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती हूँ और लोगों को ऐसा लगता है कि वाओ शी इज इन लव। वहीं जब जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए टीवी स्टार सुकृति खांडपाल ने अपने कोस्टार्स के साथ अपने लिंकअप के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए किया खुलासा और कहा, अरे हमें तो सबके साथ लिंकअप किया जाता है, पता नहीं किस बात के लिए। आई नेवर डेटेड एन एक्टर बट हाँ, मुझे कई बार लगता है कि केमिस्ट्री अच्छी लगती है लोगों को। देखिए इट्स अ विजुअल मीडिया, दो गुड लुकिंग लोगों को ही लोग लेंगे तो होते हैं लिंकअप्स, और कई लोग सच में गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन भी जाते हैं, उनकी शादियां भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिंकअप्स की न्यूज हुई है और मैंने अपने सभी को एक्टर्स को उस नजर से देखा या किसी को नहीं देखा, उस नजर से मैंने सिर्फ एक्टिंग की है। वहीं जब जूम ने सुकृति से जानना चाहा कि आपका और विवियन का क्या रिएक्शन होता था लिंकअप वाले न्यूज पर, तब सुकृति ने किया खुलासा और कहा कि मेरा तो कोई रिएक्शन नहीं होता था, एक्चुअली सेट पर सबको सब सच्चाई पता होती है, ये सिर्फ मजे की बात है दूसरों के लिए। कुछ नहीं था मेरा और विवियन का रिएक्शन, कुछ नहीं था, हमें पता था कि कुछ नहीं चल रहा है तो रिएक्ट ही क्या करें। देवोलीना भट्टाचार्य सेलिब्रेट्स बर्थडे विद छठी मैया क्रू शेयर्स केक विद अनबॉर्न बेबी। टीवी स्टार देवोलीना भट्टाचार्य ने सीरियल छठी मैया के सेट पर पूरे क्रू एंड कास्ट के साथ मिलकर किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट, जहां देवोलीना ने अपने ही अंदाज में केक काटकर सबसे पहले अपने होने वाले बच्चे को केक खिलाया, फिर बाद में सबको खिलाया। हैव अ लुक।